रोहतक शहर में ट्रैफिक नियमों की पालना ना करने वालों की अब खैर नहीं है। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए पुलिस ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त दिखाई दे रही है। रोहतक पुलिस ने शहर में 14 रेड लाइट पॉइंट चिन्हित किए हैं, जहां रेड लाइट जंप करने वालों पर सीसीटीवी द्वारा नजर रखी जाएगी। शहर में जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए ऑटो रिक्शा पर और जीवन फार्मूला भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि रोहतक शहर में करीब 20,000 ऑटो रिक्शा चलते हैं, जिसकी वजह से सड़कों और चौक चौराहों पर जाम लगा रहता है। जो ओडीवन लागू हमने हर दिन प्रतिदिन के लिए किया था, उसमें थोड़ी रियायत की बात उन्होंने की थी, जो कि मौके के हालात देखते हुए हमने अब सोमवार और शुक्रवार दो दिन हफ्ते में ऑर्डर इवन लागू किया है। सोमवार को सभी की सभी जो सम संख्या की ऑटो है वो चलेंगी, और शुक्रवार को सभी की सभी विषम संख्या की ऑटो चलेंगी। एक्चुअली हमने ये स्टेप लिया है ताकि आमजन के लिए सुविधाजनक हम रास्ता उपलब्ध करवा सकें। साथ ही साथ हमने पूरे शहर में रेड लाइट का भी चालान स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि हमारे टोटल 14 चौक ऐसे हैं जिस पे भी रेड लाइट हमने लगाए हैं। और साथ ही साथ जो रेड लाइट जंप के चालान भी हमने हर जो रेड लाइट पॉइंट है उसके साथ चालानिंग मशीन के साथ हमने चालानिंग एक यूनिट भी तैनात की है, ताकि जिस भी तरह की रेड लाइन जो जंप की जाती है उसमें